आई नो यू आर बॉदर अबाउट योर रिपोर्ट कार्ड सो आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो टू ओपन योर रिपोर्ट कार्ड ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन गूगल क्रो और यहाँ सर्च बॉक्स में हम स्कूल की वेबसाइट लिखेंगे लिंक जो हमने आपको भेजा वेबसाइट नेम दीवान पब्लिक स्कूल ओ आर जी दीवान पब्लिक स्कूल हापुड़ डॉट ओ आर उसके बाद आप जब ये स्क्रीन देखेंगे यहां पेरेंट लॉग इन जो आपको दिख रहा है ओके दिस वन आप पेरेंट लॉग इन को टैप करेंगे पेरेंट लॉग इन को टैप करने के बाद यू विल सी ये स्क्रीन आपके पास आएगी और यहां पर ये कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगे लाइक like, यूजर नेम आई तो हम अपना एस नंबर लिख देंगे यहाँ पर जिस जो भी हमें रिपोर्ट कार्ड लिखना है लाइक एट जीरो फॉर एग्जाम्पल यहां आपको अपना एस आर नंबर डालना है एंड पासवर्ड में अभी कुछ नहीं करना है हमको ये जो कैप्चा आप देख रहे हो ब्लू कलर पे सेम टू सेम अगर ये स्मॉल में है तो स्मॉल लेटर में और कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको यहां डालना है आ, यहां आपको ये यह कैप्चर डालना है आई एम टेलिंग यू लाइक वाई एस एम पी मेरे पास ये कैप्चा है मैंने ये डाला है आपके पास कुछ और आएगा ब्लू कलर पे आप उसको डालेंगे और अब आपको यहां करना है फॉरगोट पासवर्ड दिस इस वन इसको आप टैप कर देंगे फॉरवर्ड पासवर्ड जवाब करेंगे अगेन इट विल आस्क सम ऑफ द इंफॉर्मेशन टू रीसेट द पासवर्ड अब पासवर्ड को रीसेट करने के लिए हमको फिर से एस आर नंबर डालना होगा अपना एट जीरो थ्री एट हमने पहले भी यही डाला था देन इट विल आस्क मोबाइल नंबर अब मोबाइल नंबर आपका जो स्कूल में अटैच्ड है स्कूल से आपके पास जो तो इंफॉर्मेशन जिस मोबाइल नंबर पे जाती है सेम मोबाइल नंबर आपको डालना होगा अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है देन इट विल नॉट वर्क सो फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग द मोबाइल नंबर लाइक नाइन सेवन सिक्स जीरो थ्री सिक्स फोर नाइन जीरो एट लेट्स चेक वंस अगेन्स नाइन सेवन सिक्स जीरो थ्री सिक्स फोर एट जीरो एट आफ्टर दैट फोर नाइन नाउ वी हैव टू राइट द डेट ऑफ बर्थ ओके सो डेट ऑफ बर्थ में यहां जनवरी 2021 ये लिखा हुआ है आपको सबसे पहले ये यह जो यहां एंगुलर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना लाइक uh, दिस like यहां से आपको ईयर सेट करना है ठीक है इस तरीके से और ईयर्स में सपोज हमें 2010 थाउजेंड टेन सेलेक्ट करना है अब मंथ हमको सेलेक्ट करना है अगस्त तो हमने मंथ ले लिया और अब हमको डेट देखनी है सपोज 27 तो हमने वही डेट ले ली अब ये डेट ऑफ बर्थ आ गई 27 अगस्त 2010 नाउ वी हैव टू रीसेट द पासवर्ड मीन्स इस बार हमको किस पर क्लिक करना है रीसेट बटन को क्लिक करना है रीसेट को क्लिक कीजिएगा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इट डिपेंड्स ऑन नेट स्पीड ऑल्सो रीसेट एंड वेट इट्स इन प्रोसेसिंग पीरियड आफ्टर दैट यू विल गेट अ मैसेज न्यू ग्रीन कलर में देखो सवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है मैच कर रही है यू हैव पुट करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एज वेल एज मोबाइल नंबर कलर अदरवाइज यू विल गेट अनदर मैसेज इन रेड कलर ओके सो अब दिस टाइम वट वी हैव टू डू अब के हम गो बैक पर क्लिक करेंगे फिर से गो बैक गो बैक को क्लिक कीजिएगा टैप कीजिएगा इसको जैसे हम गो बैक पे जाएंगे फिर से ये हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा लॉग इन करने के लिए रिपोर्ट कार्ड के लिए तो यूजर आईडी में एज वी नो वेरी वेल कि हमको अपना एस नंबर ही डालना है पहले भी हमने डाला था एट जीरो थ्री एट ओके अब पासवर्ड हमको क्या डालना है जो आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आया होगा तुरंत ठीक है लाइक like. बेटा ध्यान रखिएगा आप लोग अगर ये कैपिटल है तो कैपिटल में ही डालें Like D seven E H five ये पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं इस तरीके से डॉट्स में होगा अब आपको ये कैप्चर डालना यहां जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है यहां एंटर द टेक्स्ट में कैपिटल में ये लिखा हुआ है वाई ई जेड जी ठीक है कैप्चा किसको बोलते हैं हम ये ये जो आपको ब्लू कलर में मैसेज आ रहा है ठीक है दिस वन तो अब आपने ये यूजर आईडी डाल दी पासवर्ड डाला जो मैसेज आपके पास आया कैप्चा आपने डाल दिया दिस टाइम यू हैव टू टैब ऑन लॉग इन नाउ लॉग इन अब लॉग इन करने के बाद में अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो ये ओपन हो जाएगा अदरवाइज फिर से आपसे पासवर्ड पूछे आफ्टर ंग ऑन लॉग इन योर अनदर स्क्रीन विल ओपन वेबसाइट विल ओपन फॉर द रिपोर्ट कार्ड मोबाइल में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड लिखा होगा और राइट right साइड में दो तीन लाइन्स होंगी एक बॉक्स बनकर आप उसको क्लिक करोगे देन यू विल फाइंड सम ऑफ द ऑप्शन लाइक माई डिटेल माई फीस माई एकेडमिक्स आपको रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए माई एकेडमिक्स को टैप करना होगा और माई एकेडमिक्स के जस्ट नीचे आपको लिखा आएगा माई रिपोर्ट कार्ड लाइक दिस चाहे आप लैपटॉप में करें या फिर मोबाइल में करें ओके सो माई रिपोर्ट कार्ड पर जैसे ही आप टैप करेंगे अब आपका रिपोर्ट कार्ड ओपन होकर आ जाएगा ओके आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी